आज की इस वीडियो में हम ऑटिज़्म को आसान भाषा में समझेंगे कि ये क्या है। इसे समझने के लिए हमें सबसे पहले अपने ब्रेन को समझना पड़ेगा। हम सबके पास एक दिमाग है और उसका कुछ फंक्शन है, जैसे कि हमें बताना कि हमें कैसे सोचना है, हमें कैसा महसूस करना है, हमें कैसे चलना है और हमें चीज़ों को कैसे सेंस करना है, जैसे कि देखना, सुनना वगैरह। हमारा ब्रेन एक वायर्ड अप कंप्यूटर की तरह है या किसी एक ऐसे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस की तरह जिसके अपना सर्किट और अपना कनेक्शन है। ऑटिज़म एक डिफरेंट टाइप की ब्रेन वायरिंग है जिसके साथ कुछ बच्चे पैदा होते हैं। अगर हम रिपोर्ट की माने तो हर 64 में से एक बच्चे को आज ऑटिज़म है। डिफरेंट वायरिंग से मेरा क्या मतलब है? मतलब उन्हें लोगों के साथ इंटरेक्ट करने में, कम्युनिकेट करने में, चीज़ों को समझने में और अपने इमोशन को एक्सप्रेस करने में बाकियों के मुकाबले थोड़ी डिफ़िकल्टी हो सकती है। ज़्यादातर ऑटिस्टिक लोग, उनके पास काफ़ी स्ट्रॉन्ग हॉबीज और इंटरेस्ट होते हैं, जैसे कि कुछ चीज़ों को बार बार करना, जिसे हम स्टिमिंग भी कहते हैं। ऑटिस्टिक लोग काफ़ी नॉलेजबल होते हैं क्योंकि उन्हें ये पता है कि उनको किस चीज़ में इंटरेस्ट है। ऑटिस्टिक लोग अगर एक सिमिलर रूटीन फॉलो करते हैं तो वो काफ़ी काम महसूस करते हैं, क्योंकि चीज़ों का बदलाव अनसर्टेनिटी को दिखाता है, जिससे उन्हें थोड़ा डर लगता है। ऑटिस्टिक लोग कुछ सेंसेशन को भी इंजॉय करते हैं, जैसे कि रॉकिंग मूवमेंट, जैसे कि आपने रॉकिंग चेयर देखी होगी, बैक एंड फोर्थ मोशन, या स्पिनिंग, या बाउंस करना, क्योंकि ये उन्हें काम रखने में महसूस करता है। आपने भी अगर बाउंसिंग या स्पिनिंग करी होगी तो आपने देखा होगा कि आपके जो थॉट्स होते हैं वो कम हो जाते हैं। ऑटिस्टिक लोग अपने आप को दूसरे से थोड़ा अलग तरीके से कम्युनिकेट करते हैं, जैसे कि साइन लैंग्वेज का यूज़ करना वर्ड्स के बजाय, या फिर दूसरों की तरह ही बोलना लेकिन वर्ड्स को दूसरी तरीके से यूज़ करना, या मोनोटोनस वॉइस में बोलना, और लोगों को सुनने में थोड़ा डिफ़िकल्टी महसूस करना जब थोड़ा नॉइसी एनवायरनमेंट हो, बोलने में दिक्कत आना जब वे उदास हों या अपसेट हों। ऑटिस्टिक लोगों को दूसरों के कम्युनिकेशन, बॉडी लैंग्वेज या टोन ऑफ वॉइस को समझने में भी थोड़ी दिक्कत होती है। कुछ लोग ये समय के साथ सीख जाते हैं, लेकिन उनको एक्स्ट्रा एफर्ट लगता है बाकियों के बजाय। ऑटिस्टिक होने का मतलब ये नहीं कि उनमें कुछ गलत है। हम सब लोग अलग हैं, जैसे कि कुछ लोगों के आँखों का कलर अलग होता है, कुछ लोगों के बाल का कलर अलग होता है, ऐसे ही ये एक तरीके का डिफरेंट होना है। ऑटिस्टिक लोग को कुछ चीज़ें करने में जो वो करना चाहते हैं या उन्हें जो करना चाहिए, उन चीज़ों में थोड़ा एक्स्ट्रा हेल्प की ज़रूरत पड़ सकती है। लेकिन फ्रैंकली हम सबको कभी ना कभी लाइफ टाइम में हेल्प की ज़रूरत पड़ती है। इस दुनिया को यही बात इंटरेस्टिंग बनाती है कि हम सब लोग अलग हैं, और ये दुनिया सच में बोरिंग हो जाएगी अगर सब लोग एक जैसे हो गए तो। धन्यवाद। स्टे इनफॉर्म्ड।